अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह करम से आप सभी ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से हम भी ठीक हैं। आज मैं बनाऊंगी बीन्स की सब्जी। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह रहता है। ये इसे मैं बारीक बारीक कट कर ली हूँ। ये आप सबको दिखाने के लिए मैं चार पांच नहीं कट करी थी। सब्जी में डालने के लिए एक प्याज एक टमाटर कट कर ली हूँ। इधर मैं एक आलू कट कर ली हूँ। आलू को मैं बारीक कट करी हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं कट करी हूँ। गैस चालू करके कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें मैं दो बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डाल देती हूँ। तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ। प्याज को चला देती हूँ। प्याज को मैं पका लेती हूँ। प्याज लाल हो गया है, इसमें मैं एक कटा हुआ टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को डाल दी हूँ। अब इसमें मैं मसाला डाल देती हूँ। मसाले में मैं क्या मसाला ली हूँ वो दिखा देती हूँ। दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाला ये डालने से ये सब्जी अच्छी रहती है, टेस्ट अच्छा रहता है। स्वाद अनुसार नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट एक एक चम्मच, इन सभी मसाले को मैं इसमें डाल देती हूँ। मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। मसाले में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और मसाले को अच्छी तरह भून लेती हूँ। मसाले को मैं भून ली हूँ। अब इसमें आलू डाल देती हूँ कटा हुआ। इसमें मैं बीन्स को डाल देती हूँ। सभी बीन्स को इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। सब्जी को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर ली हूँ और इसे ढक के एक मिनट पकने देती हूँ। सब्जी को मैं एक मिनट पका ली हूँ। अब इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी डाल दी हूँ और इसे मैं ढक के पका लेती हूँ जब तक आलू ना पक जाए। पानी आपको इतना डालना है कि अच्छी तरह ये सब्जी डूब जाए। इसे मैं ढक देती हूँ पकने के लिए। पानी अच्छी तरह सूख गया है, आलू भी गल गया है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। खाने को निकाल ली हूँ, सब्जी को भी निकाल ली हूँ। सब्जी ये सब्जी चौपाती के साथ अच्छा लगता है। आज मैं बनाई हूँ बीन्स की सब्जी। आज की मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।